हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमके फिल्म इफेक्ट में। आज हम बात करेंगे सलमान खान की अपकमिंग टॉप 5 मूवीज के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो देखने को मिलती रहे। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सलमान खान की आखिरी फिल्म टाइगर 3 थी। इस फिल्म के बाद सलमान ने किसी फिल्म पर कोई अपडेट नहीं दिया, लेकिन आने वाले सालों में सलमान की कई फिल्में कतार में है। नंबर टाइगर वर्सेस पठान। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की टाइगर वर्सेस पठान नाम की फिल्म आने वाली है। इस फिल्म में शाहरुख और सलमान दोनों नजर आएंगे। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करें। नंबर 2 द बुल। द बुल में सलमान खान 25 सालों बाद करण जौहर के साथ काम करने वाले हैं। उम्मीद की जा रही कि ये फिल्म 2025 में रिलीज हो सकती है। फिल्म की कहानी इंडियन आर्मी के इर्द गिर्द हो सकती है। नंबर 3 शेरखान। शेरखान साल 2012 में आने वाली थी लेकिन आ नहीं पाई। अब खबर है कि 2025 में फिल्म की शूटिंग शुरू होगी और 2026 में फिल्म रिलीज हो सकती है। नंबर 4 दबंग 4। दबंग 3 2019 में आई थी। खबरों के मुताबिक दबंग 4 की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो गया है। सलमान और अरबाज खान इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। नंबर 5 पर है सफर। सफर सनी देओल की अगली फिल्म है। खबरों के मुताबिक फिल्म में सलमान खान का कैमियो हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।